बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए आज हम आपको सुनाते हैं कार्तिक महात्म के अंतर्गत सुनाई जाने वाली कथाओं में 28वें अध्याय की कथा। बहुत आनंद आने वाला है, बहुत ही परिणाम को देने वाली, फल को देने वाली कथा है। श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनेंगे तो भक्तों आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और अजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में वृण बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक बार राजा के निमंत्रण पर देवऋषि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन का बराबर बराबर भाग होना चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को शाप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय का दिया शाप स्वीकार कर लिया और जय को शाप दिया कि तू अभिमानी है, इसलिए हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से शाप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी व ग्राह की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, शाप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था। राजा और अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने शापों को भोग कर मेरे लोक को प्राप्त हो गए। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वे इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का शाप स्मरण करके मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया तो हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उनका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर, मेष की संक्रांति में नित्य प्राय स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी व्रत किया करो। गौ, ब्राह्मण, वैष्णव की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वाले को मसूर की दाल और बैंगन के साग को कदापि प्रयोग न करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कल्हा को दिया है। उसके बाद हम कल्हा को वैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्त का उपदेश देकर कल्हा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उसका देहांत हुआ तो वह अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन,
कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल के इस इतिहास को कहता है और सुनता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।